अब तक तो पूरी दुनिया को पता है मुझे सांप और छिपकली से बहुत डर लगता है। मुझे अगर आपने बोल दिया कि अरे वहां पे छिपकली है, मैं उस जोन में जाऊंगी ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वहां पे उस सांप छिपकली के साथ उसी बास्केट में लेटी रहूंगी और ताला खोलने की कोशिश करूंगी कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मुझे। सी आई हैव ऑलवेज बीन इन टू फिटनेस, मैं हमेशा से ही बड़ी फिट पर्सन, अपने खाने पीने पे ध्यान रखती हूँ, लेकिन अब मैंने अपनी डाइट काफ़ी चेंज कर दी है। आई हैव बीन ऑफ कार्ब्स, मतलब मैं शायद कार्ब्स महीने, सॉरी हफ्ते में एक बार या दो बार खाती हूँ। सी कॉम्पिटिशन हर एक फील्ड में होता है, जब हम एक्टिंग भी करते थे तो आपको लगता था कि ओ ये सीन है तो मैं इनसे ज़्यादा बेटर करूँ, बिकॉज एज अ एक्टर, एज अ एंटरटेनर, यू वॉन्ट टू बी द वन हु विल एंटरटेन पीपल। वहाँ पे भी टास्क में आपको लगेगा कि आप अच्छा करो, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ये दूसरे रियलिटी शोज जैसा नहीं है जो एक दूसरे को ना पुल डाउन करते हैं नीचे या गेमिंग एंड प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को हर इंसान सपोर्ट करता है। हाय, मैं हूँ रूही चतुर्वेदी एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। थैंक यू। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू टेली रिपोर्टर। और आज हमारे साथ हैं रूही चतुर्वेदी। सो रूही, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, ये जो खतरों के खिलाड़ी में जाने का आपने डिसीजन लिया, इतने दिनों से लाइक शो करते करते अचानक क्विकली ये कैसे हुआ? मेरी लाइफ में अचानक कुछ भी नहीं होता, मैं बहुत ही प्लान करके चीज़ें चलती हूँ, मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ। जब मैं एक्टर नहीं थी, जब पहला सीजन आया था, तब मैंने देखा और मुझे देखते देखते लगा कि यार मैं कैसे इस चीज़ का पार्ट बन सकती हूँ। और आप एक्टर नहीं होते तो यू नो इट्स डिफिकल्ट टू गेट ऑन टू अ शो लाइक दिस। अब एक्टर नहीं होते तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट ऑन टू अ शो लाइक दिस। तो मैनिफेस्ट करते 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 अब सोचिए 13 साल के बाद आई एम अ पार्ट ऑफ द शो। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यू नो सपने पूरे होते हैं, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन इट। सो जैसे कि आपने कहा कि सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है, तो यहाँ खतरों के लिए अब कितनी प्लानिंग हुई है? प्लानिंग, सी प्लानिंग होती है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन कैसे होगा उसकी प्लानिंग कभी नहीं होती, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं है। चाहे मैं कितना भी वर्कआउट कर लूँ, चाहे मैं मेंटली कितनी फिट हूँ, चाहे इमोशनली एवरीथिंग, बट वो बोलते हैं बैटल फील्ड पर आप जब जाते हो तो आपको नहीं पता कब कहाँ क्या होने वाला है, किस कहाँ से तीर कौन सा आने वाला है। तो वहाँ जाके तो आई थिंक आपकी किस्मत और आपका दृढ़ निश्चय ही काम आएगा। ओके, अब जैसे कि जाने वाले दिन नज़दीक आ चुके हैं, सो लाइक क्या फीलिंग है? एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा डर है, बटरफ्लाइज है, क्या फीलिंग है? नो, आई हैव नो बटरफ्लाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं चाहती हूँ कि तुरंत जल्दी चलो, स्टंट करवाओ, मुझे कुदाओ, मुझे देखना अपने आप में। जितना मैं बोलती हूँ मैं उतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं। सी बोलना बहुत आसान रहता है और करने में बहुत डिफरेंट रहता है। मुझे सिर्फ ये चीज़ की नर्वसनेस है कि मैं अपनी फैमिली के बिना कैसे रह पाऊँ, बिकॉज आई हैव नेवर स्टेड विदाउट देम। So that's one thing which I'm very skeptical about. Yeah, मेरा next question ही यही था कि like किसको सबसे ज़्यादा miss करने वाले हो वहाँ जाने के बाद, like family और उसके अलावा भी कुंडली भाग्य जो है, मैं like fans तो आपको इतना miss कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कुछ ज़्यादा miss करने वाले हो? मैं miss करने वाली हूँ अपने 4 pillar जो है, मेरे mom, dad, मेरा भाई and my husband। Because चाहे आप कितने भी, at least मैं चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, कितना भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, मेरा दिन उनके साथ शुरू होता है, मेरी रात उनके साथ ख़त्म होती है। नो आई नीड देम फॉर एवरीथिंग, हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए मेरी फैमिली इज़ देयर फॉर मी। उनके बिना आई डोंट नो हाउ आई एम गोना सर्वाइव इट, बट दे आर वेरी सपोर्टिव, लाइक प्लीज़ गो एंड यू नो हैव फन एंड यू नो डर के मत आना और कोई भी चीज़ अबॉर्ट मत करना। सो या ओके, लाइक यहाँ पे तो कुंडली भाग्य में हमने देखा लाइक सृष्टि और चालाक शर्लिन एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, ऑफ स्क्रीन तो हमें पता है कि काफ़ी मस्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे यू नो एक कॉम्पिटिटर की तरह एक दूसरे को देखना पड़ेगा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सी कॉम्पिटिशन हर एक फील्ड में होता है, जब हम एक्टिंग भी करते थे तो आपको लगता था कि ओ ये सीन है तो मैं इनसे ज़्यादा बेटर करूँ, बिकॉज एज अ एक्टर, एज अ एंटरटेनर, यू वॉन्ट टू बी द वन हु विल एंटरटेन पीपल। वहाँ पे भी टास्क में आपको लगेगा कि आप अच्छा करो, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ये दूसरे रियलिटी शोज जैसा नहीं है जो एक दूसरे को ना पुल डाउन करते हैं नीचे या गेमिंग एंड प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को हर इंसान सपोर्ट करता है। और मुझे ये पता है कि क्योंकि अंजुम वहाँ पे है, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, शी इज़ गोइंग टू बी माई बिगेस्ट सपोर्टर, आई विल बी देयर टू सपोर्ट हर फॉर एवरीथिंग शी डज। सो इट्स लाइक कि जैसे ऑफ स्क्रीन मस्तियाँ चला करती थी, वैसे ही वहाँ भी आई थिंक हमको देखने मिलेगा, उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑफ स्क्रीन तो यहाँ पे फिर भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वहाँ पे यू आर इन अ न्यू कंट्री, न्यू सेटअप, सो यू विल हैव मोर फन एंड मोर एंटरटेनमेंट फ्रॉम आवर साइड। या सो सृष्टि के अलावा लाइक तैयारियां तो हर कोई कर रहा है, आपको क्या लगता है कि योर टफेस्ट बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन होने वाला है?
सी आई कीप सेइंग कि यू कांट जज द बुक बाय इट्स कवर. अभी सब लोग टफ दिख रहे हैं क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. हर इंसान जो वहाँ पर है वो इसीलिए है क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर या एंटरटेनर या सिंगर है. वहाँ पे जब जाओगे शायद आप 2 हफ्ते के बाद मुझे पूछोगे कौन टफ है तो मैं बता पाऊंगी. अभी तो हर एक इंसान टफ है. लाइक यहाँ पर काफ़ी ये होता है, मतलब कभी कभी लाइक हमें ऐसा होता है कि हम, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम कभी नींद में होते हैं सपना देखते कि ऊपर से गिर रहे हैं. हाँ. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कहीं गिर रहे हैं अचानक से नींद खुलती है? नो, बट इट्स देयर इज अ साइंटिफिक टर्म टू इट, मेडिकल टर्म टू इट, इट्स कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस. सो आई थिंक तो सबको होता ही है. बट जब मैंने खतरों के खिलाड़ी साइन किया, ट्रस्ट मी आई एम नॉट लाइंग टू यू, आई हैड स्लीपलेस नाइट्स. मैं 5 बजे उठना शुरू की, फिर 4:30, 3:30, मैं 2:30 बजे उठ के बैठ जाती थी. और शिव जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, यू नो व्हाई, व्हाट आर यू डूइंग. आई सेड नो, आई एम नॉट गेटिंग स्लीप, मे बी द एक्साइटमेंट वाज सो मच. इट टुक टाइम कि वो सिंक इन हो जाए और अब नाउ आई एम बेटर. सो लाइक घर वालों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज एक पेरेंट्स की तरफ से एक कंसर्न होता है, यार बेटी जा रही है, कुछ लग ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या? माय डैड हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रोटेक्टिव. मेरे डैड ने कभी हमें गणपति विसर्जन ये वो एक्स वाई चीजें चेक भी जाने नहीं दी, कहीं बच्चों को लग गई तो. तो जब मैंने कुंडली क्या खतरों के सॉरी ओल्ड हैबिट जब मैंने खतरों के खिलाड़ी साइन किया, मैंने 1 महीने तक उनको बताया नहीं. देखिए जब न्यूज़ आउट हो गई तो मुझे मेरे डैड को बताना पड़ा, तो उन्होंने 2-3-4 सुंदर शब्द बोले मुझे, थोड़े से नाराज, नो आई कांट से इट ऑन कैमरा, बट उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें कही मुझे. और फिर यू नो उनको थोड़ा टाइम लगा सिंक इन होने के लिए. एंड नाउ ही सेज कि प्लीज़ गो हैव फन, डर के मत आना, एंड बिकम अ बेटर पर्सन एंड कम बैक. तैयारियां तो हमने आपकी देखी, काफ़ी काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उनके बारे में ज़रा बताइए. बिकॉज खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं, सो अपनी बॉडी को एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. स्ट्रेच लाइक बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए. सो डाइट कैसी है और क्या कुछ नया किया यहाँ जाने के लिए? सी आई हैव ऑलवेज बीन इनटू फिटनेस. मैं हमेशा से ही बड़ी फिट पर्सन, अपने खाने पीने पर ध्यान रखती हूँ, लेकिन अब मैंने अपनी डाइट काफ़ी चेंज कर दी है. आई हैव बीन ऑफ कार्ब्स, मतलब मैं शायद कार्ब्स हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाती हूँ. आई ज्वाइन बॉक्सिंग क्योंकि उससे आपका स्टैमिना बढ़ता है. मुझे स्विमिंग आती थी बट मैंने वापस स्विमिंग ज्वाइन की रीलर्न करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ. बट अगेन नो मैटर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग यू डू, वहाँ पर जाके तो भगवान के हवाले ही है. और यहाँ मतलब फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कुछ हमें शर्लिन का एक नया, आई मीन आपका एक नया रूप क्या किस तरीके का देखने मिलेगा? सी आप लोगों ने आज तक शर्लिन से प्यार किया, नफरत की है, जो भी किया है, बट यू हैवन बीन एबल टू इग्नोर हर. रूही चतुर्वेदी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन. खतरों के खिलाड़ी में आपको मेरा एक अलग रूप देखने मिलेगा. सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट लेवल का डर दिस टाइम. अच्छा वन मोर थिंग, खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं, फोबिया पूछना तो भूल ही गई मैं. नहीं बताया मैंने आपको, अब तक तो पूरी दुनिया को पता है मुझे सांप और छिपकली से बहुत डर लगता है. मुझे अगर आपने बोल दिया अरे वहाँ पर छिपकली है, मैं उस जोन में जाऊँगी ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वहाँ पे उस सांप छिपकली के साथ उसी बास्केट में लेटी रहूँगी और ताला खोलने की कोशिश करूँगी, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मुझे. आई एम सो स्केर्ड ऑफ देम. बट आई नो कि रोहित सर रहेंगे तो वो हमेशा बहुत पुश करते हैं, ही मेक श्योर कि आप अबॉर्ट ना करो. तो मे बी उनकी छत्र छाया में रह के मेरा डर चला जाए. वी होप कि ऐसा ही हो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर खतरों के खिलाड़ी, जीत के आइए और आने के बाद वापस हम इंटरव्यू करेंगे. यस थैंक यू सो मच. थैंक यू.